बागेश्वर की विधायक पार्वती दास ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। यहां बता दें कि जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं के कारण काफी शिकायतें मिल रही थी। हाल के दिनों में नाराज दो डॉक्टरों ने भी अव्यवस्थाओं के चलते इस्तीफा देने की पेशकश की थी। एक संस्था द्वारा संचालित डायलिसिस सेंटर भी बंद होने के कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहरी जनपदों में जाना पड़ रहा है। शिकायत के बाद विधायक ने अस्पताल का भ्रमण किया। उन्होंने अस्पताल की समस्याओं को लेकर जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से भी वार्ता करने का भरोसा दिलाया है। इधर जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर विनोद टमटा ने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। खामियां मुख्य तौर से उन्होंने प्रेडिक्शन की हैं। पहला जो है जनऔषधि केंद्र, जो कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है, कई महीने क्या दो महीने से ऊपर हो गए हैं बंद पड़ा हुआ है, तो जनता को जनऔषधि केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जनऔषधि वो डायलिसिस यूनिट में दो मशीनें पता नहीं कब से खराब पड़ी हैं। जो वहाँ टेक्नीशियन है उसने बताया नहीं, डॉक्टर तो वहाँ कोई है नहीं। एक टेक्नीशियन है जो डायलिसिस करता है और एक मशीन में डायलिसिस कर रहा था उस टाइम, लेकिन हमने कई बार नॉक किया तो दरवाज़ा नहीं खोला, काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला। हमने सोचा कि बंद है करके, ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था डायलिसिस बंद चल रहा है। काफ़ी देर बाद बंदे ने दरवाज़ा खोला, लैब टेक्नीशियन जो भी था वहाँ पर, तो हमने अंदर जाके देखा, निरीक्षण किया मैडम ने, तो देखा कि वहाँ एक मरीज़ का डायलिसिस चल रहा था, बाकी दो बेड खाली पड़े थे। तो पूछने में बताया गया कि वो दो मशीनें ख़राब चल रही हैं, काफ़ी लंबे समय से ख़राब चल रही हैं। उसके लिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया गया है, वो जर्मन मेड मशीन है, तो जल्द ही उनका जो टेक्नीशियन आया कि उसको दुरुस्त करने के लिए उसने ऐसी करेंगे करके ऐसा आश्वासन दिया उसने। अरे एनेस्थेशिया नहीं आ रहा करते, एनेस्थेशिया की नियुक्ति हो गए बताया जा रहा है। एनेस्थेशिया ने जॉइन कर लिया, एनेस्थेटिस्ट ने तो सुनने में आ रहा था कि हाँ कोई डॉक्टर रोहित करके आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया। OT चल नहीं रहा है, OT फिलहाल तो जो माइनर केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस हैं, तो लोकल अस्पताल लेके वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं मरीज पर। समस्याएं तो हैं, जैसे डायलिसिस सेंटर का ही मैं यहाँ की मुझे सूचना मिली थी, मैं इसके लिए यहाँ पर आई, सारे मरीजों से पूछा, उनके हालचाल पूछे कि किस तरीके का यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो मैंने सारे मरीजों से पूछ करके, कुछ तो सही है, ज़रा इतना है कि ज़रा ये डायलिसिस सेंटर का अब इसको भी हम ठीक कराएंगे और मरीजों को सुविधा दिलाएंगे। दादी जनऔषधि केंद्र भी लंबे समय से बंद चल रहा है, फिर खुलता है कुछ दिन फिर बंद हो जाता है, इस पर भी मैं बात कर रही हूँ, अब इस पर भी तुरंत कार्रवाई होगी, जो नहीं मिल रहा है दवाइयों को मिलेंगी, सारे जितने भी हमारे पेशेंट हैं यहाँ पर आते हैं सबको सुविधा दिलाएंगे। डॉक्टरों ने भी इस्तीफा देने की बात कही थी अस्पताल में सुविधा नहीं होने पर, उस पर को क्या कहेंगे? तो मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करूँगी और क्यों इस विषय पर इतना वो क्यों हो रहा करके, और जो भी समस्या होगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सारी सिचुएशन हॉस्पिटल की देख के गई हूँ, अभी मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से यहाँ की वो बताऊंगी सारी समस्या, और जितना जल्दी हो सके इसको पूर्ण करने की कोशिश करें। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।